आप ये सब तामझाम देख रहे हैं, ये सब डिब्बे से भी है, जो भी है। एक्चुअली मैंने एक नया कैमरा खरीदा है। मुझे एक्चुअली गैजेट का बहुत शौक है और मैं हर साल कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ। पर जो DSLR कैमरा है, मैंने शायद 4 साल हो गया मैंने नहीं खरीदा था। 2017 में मैंने कैनन का 8D खरीदा था, कैनन का 80D, जिससे कि अभी शूट हो रहा है। तो उसके बाद मेरा प्लान था कि मुझे कोई मिररलेस कैमरा लेना है, क्योंकि मिररलेस कैमरा में उसका जो ISO परफॉर्मेंस होता है या फिर उसका पिक्चर क्वालिटी तो जबरदस्त होता है। तो जो सोनी का जो कैमरा था उसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं था, तो इसमें क्या होता है कि मैं खुद को देख के रिकॉर्ड नहीं कर सकता और इससे मुझे बहुत दिक्कत होता था। और जो कैनन के कैमरा होते थे मिररलेस कैमरा, उनमें उतना दम नहीं था। 2020 में सोनी ने 2 कैमरा लॉन्च किया, एक फुल फ्रेम कैमरा जो कि सोनी का सोनी A7S3 और एक छोटा सा कैमरा कॉम्पैक्ट कैमरा सोनी का GV1। तो ये दोनों कैमरा मैंने परचेज कर लिया। एक कैमरा से मेरा दोस्त अभी शूट कर रहा है और दूसरा डिब्बा इधर है। तो आज हम डिब्बा खोलते हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट है कि जो ब्लॉगर का एक लाइफस्टाइल होता है कैसा होता है, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब करते हो, अगर अच्छे से मेहनत करते हो, आप तरक्की करते हो, तो आप भी ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। तो ये सब कुल मिला के मुझे 5 लाख प्लग्स पड़े। मैं किसका प्राइस नहीं बताने वाला, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं बस आपको दिखाने वाला हूँ मैंने क्या क्या खरीदा, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं बहुत चाह रहा था कि मैं जो कैमरा गियर है अपग्रेड करूँ, फाइनल मैंने कर दिया। तो देखते हैं एक के बाद एक देखते हैं मैंने क्या क्या खरीदा है। जो पहला आइटम है इसे शुरुआत करते हैं। फ्लिपआउट स्क्रीन यूज करने के बाद सोनी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सोनी का एक मिररलेस कैमरा खरीदूं। मुझे वीडियोग्राफी बहुत पसंद है, फोटो के मामले में उतना अच्छा मुझे मतलब इतना मुझे अच्छा नहीं लगता फोटोग्राफी, लेकिन वीडियोग्राफी मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए जो सोनी का A7S3 ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये सब मैंने पहले खोल के रखा है, फिर भी आप सभी के लिए मैं इसका डिब्बा खोलता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल डिब्बा खोल यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर भी आपके लिए डिब्बा खोल देता हूँ। देखिए इसके ऊपर पॉलिथीन भी नहीं है, फिर भी हमने ये रहा सोनी का A7S3। बहुत लाइट वेट है और ये आता है ये टिल्ट स्क्रीन के साथ। ये रहा वो प्रोडक्ट, इसका स्पेसिफिकेशन मैं कोई नहीं बताने वाला, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। बस मैं दिखा रहना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। इसका कुछ स्ट्रिप वगैरह कुछ आता है और ये केबल मैनेजमेंट का आता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि फिलहाल इधर नहीं है, मैंने बाहर रख दिया है। इधर कुछ है बट सब डॉक्यूमेंट वगैरह बाहर है। तो ये रहा एक प्रोडक्ट, डिब्बा को बाहर रखते हैं ताकि कुछ मैस ना हो। कैमरा चाहे जैसा हो, उसके लिए एक दमदार लेंस कहाँ जरूरी है। मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ और जो छोटा मोटा वीडियो है मैं रूम में शूट करता हूँ, तो उसके लिए एक दमदार कैमरा चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा वाइड एंगल कैमरा चाहिए, तो इसके लिए मैंने लिया सोनी का 16-35mm G Master 2.8 लेंस। इसका ऑटोफोकस बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ा हैवी लेंस है, लेकिन आप इसको ऑलराउंडर कह सकते हो, आपका पूरा काम चल जाएगा। आप चाहे अंदर स्टूडियो में शूट करो या फिर बाहर कहीं ब्लॉग बनाओ, आपका सारा काम इसी एक लेंस से निकल जाता है। तो मुझे मल्टीपल लेंस लेने की जरूरत नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ये मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन एक बार खरीद लेने से बहुत दिन चल जाएगा। ये है वो लेंस। तो ये 16-35 तक इसका जूम रेंज है और ये 2.8 एपर्चर के साथ आता है, फिक्स एपर्चर, तो लो लाइट परफॉर्मेंस इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको भी रखते साइड में। फिर आता है साउंड की बात। जब साउंड की बात आता है तो ये है रोड का वीडियो माइक्रो प्रो। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इसमें खासियत है कि आपको बार बार इसका जो स्विच है उसको ऑन ऑफ करना नहीं पड़ता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि मैं कैमरा रिकॉर्ड कर देता हूँ लेकिन जो माइक होता है माइक को ऑन करना भूल जाता हूँ,
तो मैं बोल लेता हूँ और रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, आप जब भी कैमरा ऑन करोगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रोड का वीडियो माइक प्रो प्लस, इसके साथ ये केबल, ये और इसके फ्रंट में दिखाता हूँ आपको, इतना बड़ा सा बैटरी आता है, इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा है। इसको डाल लेते हैं अंदर, सॉरी, और इसके पीछे कुछ फंक्शन है, ये शायद नॉइज रिड्यूस के लिए या फिर कुछ के लिए है, और ये कितना डेसिबल आप चाहते हो उसके लिए, ये ऑन ऑफ के लिए है, और ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अगर एक बार आप इसे लगा लेते हो कैमरा में तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है अगर कैमरा चालू हो जाए तो। तो इसको रखते हैं साइड में, डिब्बे को साइड कर देते हैं, नेक्स्ट ये है एक एनडी फिल्टर, पोलार प्रो का ये है वेरिएबल एनडी फिल्टर, ये भी थोड़ा महंगा आता है और ये 82mm का है, क्योंकि जो लेंस का जो थ्रेड है, बाहर का जो थ्रेड है, ये भी 82mm का है, तो इसको मैंने ले लिया। इसको भी खोलते हैं, अंदर कुछ खास नहीं है, बस एनडी फिल्टर है, नेशनल डेड सील फिल्टर। तो ये क्या करता है, अगर मैं कहीं धूप में शूट करता हूँ तो अगर मुझे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो मुझे जितना ज़्यादा हो सके एपर्चर रखना होगा, 2.8 एपर्चर में अगर मैं बाहर शूट करूँ तो पूरा व्हाइट हो जाएगा, तो ये मदद करता है, ये देखिए, तो ये मदद करता है मुझे बाहर शूट करने में, अगर मैं बाहर कहीं ब्लॉग बनाता हूँ तो इसके बिना नहीं हो पाया काम, तो इसीलिए मुझे खरीदना पड़ा। तो इसको भी रख देते हैं, और ब्लॉगिंग के लिए एक ट्राइपॉड, ये है जोबी का 3K ट्राइपॉड, 3K सॉरी 3K गोरिल्ला पॉड, तो ये 3 kg तक संभाल लेता है, आप इसे करके ऐसे ब्लॉग बना सकते हो, और ऊपर इसका बॉल हेड है तो कहीं पे आप इसको घुमा सकते हो, और 3 kg तक ये संभाल लेता है, देखते हैं कितने चलता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसको मुझे लेना पड़ा। और उसके साथ साथ अगर आप कहीं बाहर जाते हो, मतलब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेयर बैटरी भी खरीद लिया सोनी का NP-FZ100, एक्स्ट्रा बैटरी, और इसके साथ इसका जो टॉप सीरीज का मेमोरी कार्ड, दो मेमोरी कार्ड ही मैंने खरीद लिया, ये थोड़े महंगे आते हैं, ये एक का 64GB है और 300 के आसपास इसका रीनेटिंग स्पीड है। तो ये सब थे खर्चे जो कि 5 lakhs प्लस हो गए, आप ऑनलाइन में प्राइस चेक कर सकते हो किसका कितना प्राइस है। तो ये था वीडियो, मैंने बताया था पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मैंने मेरा जर्नी के बारे में, तो लोगों ने, मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हो कि मैं क्या क्या खरीदा हूँ उसके भी वीडियो लाऊं, तो मैंने सोचा जो अभी मैं खरीदा हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद कभी फुर्सत में कि जो टाइम लग जाएगा क्या खरीदा हूँ उसका पूरा लिस्ट बना के अच्छे से वीडियो लाएंगे। तो इसीलिए ये सब रहा वो चीज़, मैं ये सबको अभी असेंबल कर देता हूँ और एक थंबनेल डाल देता हूँ, पूरा सब चीज़ होगा तो अच्छे से वीडियो बन जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कि मैं आगे भी आपके लिए मेरे ब्लॉगिंग रिलेटेड जर्नी के बारे में बताता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, और आप भी ऐसे ही मेरे तरह सक्सेसफुल ब्लॉगर या फिर यूट्यूबर बन सकते हो। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।